दलित कौन है? क्या ये एक व्यक्ति या समाज की पहचान है? इसके इतिहास को समझते हैं। दलित का अर्थ है वह जो दल से बाहर हो, अर्थात बाहरी प्रतीत हो। प्राचीन वैदिक भारत में केवल एक ही समाज था जिसे सनातनी या हिंदू समाज कहा जाता था। बाहरी आक्रांताओं जैसे सिकंदर, तुर्क, मुगलों, फिरंगियों ने इस समाज पर आक्रमण किया और उन्हें दलित कहा गया। कुछ लालची और धोखेबाजों ने दलित शब्द का उपयोग भारतीय समाज को बांटने के लिए किया। इससे हिंदू समाज जातिवाद में टूट गया और उनकी सांस्कृतिक जड़ें खोखली हो गईं। हिंदुओं को अब इस जाति-पाति के चक्रव्यूह से बाहर आना होगा और अपनी सनातनी पहचान को पुनः पाना होगा।